Welcome to Milestone Online Study. I'm Professor Lav Singh and we're gonna give you a best IELTS reading series, especially in Punjabi. So, bache, assi sariyan readings jivein thonu dassiya assi Punjabi de vich solve kar rahe hain. Jehdi A reading hai na, ye exam wali reading hai. Ye repeated reading hai. Jivein thonu pata, main bahut vaar apna jehda repeated material hai jehda exams de vich aa rahega. Bahut readings apni repeat hoiyan negiyan. मैं बाकी दी रीडिंग्स भी सारियां अपलोड कर रहे हैं ते रिपीटेड रीडिंग्स भी मैं इहदे ते जिहड़ी हैगी अपने चैनल दे उपर असी अपलोड कर रहे हैंगे सो इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ रजे शेयर जरूर करियो एंजॉय योर रीडिंग हेलो एवरीवन वेलकम टू माइलस्टोन ऑनलाइन स्टडी माय नेम इज सिमरन ते अज आपां करांगे आईएलटीएस अकैडमिक रीडिंग दा एक होर पैसेज जिहदा की नेम है द कांसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इन वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली जे आपां गल करिए पैराग्राफ की तो पैसेज दे विच दस्या गया भी वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच चाइल्डहुड नूं पहलां वाले जमाने च किवें मन्निया जांदा सी ते हुण वाले जमाने च चाइल्डहुड की मतलब जिहड़ी इंटरप्रिटेशन है वह किस तरह की किस तरह चाइल्डहुड नूं इंटरप्रेट करते हैं लोग ठीक है जी तो हुण आपां करदे हां गल क्वेश्चन के टाइप्स की फस्ट है जी अपनी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ने सैकेंड अपने हैगे ने नो मोर दैन थ्री वर्ड्स डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपने तो ठीक है जी तो ये दो टाइप्स ने अपने तो हुण आपां पहलां फस्ट ट्रू फॉल्स वाल चलते हैं 28th क्वेश्चन है जिहड़ा एरीज पॉइंटेड आउट दैट चिल्ड्रन डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एज एडल्ट ड्यूरिंग द मिडल एज मतलब कि है मिडल एज दे विच एरीज पॉइंट आउट करता है भी चिल्ड्रन एडल्ट नालों अलग काम करते ठीक है जी ये दसना हुण आपां ये ट्रू है या फॉल्स है यह आंसर है जी ए पैराग्राफ दे विच ए पैराग्राफ दी फिफ्थ लाइन देखो ही स्क्रूटिनाइज्ड मिडीवल पिक्चर्स ही है जिहड़ा उत्थे एरीज है उपर मिडल एजेस की गल हुई है ठीक है जी मतलब थर्ड लाइन दे विच देखो यूरोप ड्यूरिंग मिडल एजेस दे विच गल हुई है हुण फिफ्थ लाइन दे विच आओ ही स्क्रूटिनाइज्ड मिडीवल पिक्चर्स एंड डायरीज एंड फाउंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट एज दे शेयर्ड सिमिलर लेजर एक्टिविटीज एंड ऑफन द सेम टाइप ऑफ वर्क मतलब उन्होंने कोई फर्क नहीं दिखाया क्योंकि जेडे चिल्ड्रन ते एडल्ट सीगे सिमिलर लेजर एक्टिविटीज़ करते सी ते सेम टाइप ऑफ वर्क करते सी ठीक है जी पर अपन क्वेश्चन की क्या गया भी वो अलग अलग काम करते सी तो अपनी क्वेश्चन ते इनफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो अपने 28th का आंसर आ गया जी फॉल्स 28th आंसर इज फॉल्स 29th क्वेश्चन देखो हूँ ड्यूरिंग द मिडल एज गोइंग टू वर्क नेसेसरीली मीन्स चिल्ड्रन वर अनलव्ड इंडिकेटेड बाय एरीज मतलब मिडल एजेस दे विच जे कोई बच्चा वर्क जाता सी ना तो वह मतलब से भी वह अनलव्ड सीगा अपनी फैमिली द्वारा मतलब अनलव्ड से उन्होंने प्यार नहीं किया जाता सी ठीक है जी तो यह दसना हूँ आपका आंसर कितने है यह आंसर है जी बी पैराग्राफ के बी पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखो बैक इन द मिडल एजिज मिल गया जी हाँ जी बैक इन द मिडल एजिज चिल्ड्रन एज यंग एज 5 or 6 डिड इंपॉर्टेंट चोर्स फॉर देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम द 16th सेंचुरी वर ऑफन एनकरेज्ड मतलब उन्होंने एनकरेज किया जाता है ब्रैकेट लिखा हुआ और फोर्स मतलब फोर्स किया जाता है टू लीव द फैमिली बाय द एज ऑफ 9 or 10 टू वर्क एज सर्वेंट्स फॉर वेल्दियर फैमिलीज और टू बी अप्रेंटाइज्ड टू अ ट्रेड मतलब उन्होंने फोर्स किया जाता है काम करने लिए भी वह नौकरों के वांगू काम करना चाहिए मतलब यही हो गया ना उन्होंने कोई प्यार नहीं करता मतलब इन्नी ज़्यादा लव या अफेक्शन नहीं से उन्होंने प्रति किसी ठीक है जी तो अपनी स्टेटमेंट से इनफॉर्मेशन अकॉर्ड कर गई एग्री कर गई जी तो अपना 29th का आंसर आ गया जी ट्रू मतलब वो अनलव किए जाते 30th देखो हूँ 30th आंसर की है साइंटिस्ट थिंक दैट ओवरवर्क लेबर डैमेजेस द हेल्थ ऑफ यंग चिल्ड्रन मतलब साइंटिस्ट नूं लगता है भी ओवरवर्क लेबर है जिहड़ा मतलब ज़्यादा ओवर द टाइम लेबर है वो यंग चिल्ड्रन की हेल्थ नूं डैमेज करता है ये दसना हूँ आप ट्रू फॉल्स के नॉट गिवन इहदा आंसर है जी सी पैराग्राफ दे विच सी पैराग्राफ की थर्ड लाइन देखो सोशल रिफॉर्मर्स ये सोशल रिफॉर्मर साइंटिस्ट ही ने देखो किमें पता लगता है अपन भी साइंटिस्ट ने ए लाइन पढ़ो पूरी लाइन पढ़ो पूरी एंड तक सी पैराग्राफ दे सोशल रिफॉर्मर्स बिगेन टू क्वेश्चन वैदर लेबरिंग लॉन्ग आवर्स फ्रॉम एन अर्ली एज वुड हार्म चिल्ड्रन्स ग्रोइंग बॉडीज हार्म डैमेज चिल्ड्रन ग्रोइंग बॉडीज चिल्ड्रन हैल्थ मतलब उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट करता सोशल रिफॉर्मर्स ने साइंटिस्ट ने भी जेडे लंबे घंटे ने काम करने है ना वह चाइल्ड की ग्रोइंग बॉडीज़ ने जी उन्होंने हार्म करता डैमेज करता अगे पढ़ो दे बिगेन टू रैकगनाइज द पोटेंशियल ऑफ कैरिंग आउट सिस्टमैटिक स्टडीज़ मतलब हूँ जेडे रिफॉर्मर सिस्टमैटिक स्टडीज़ कर रहे हैं वो साइंटिस्ट ही होए ना
टू मॉनिटर हाउ फार दीज अर्ली डेप्रीवेशन माइट बी अफेक्टिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, मतलब स्टडी करन लगे भी जेडे ये अर्ली डेप्रीवेशन ने छेती छोटी उम्र के ज़्यादा घंटे काम करना वो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अपन स्टेटमेंट भी सेम चीज़ कह रही है तो इनफॉर्मेशन भी, तो अपना 30th आंसर आ जाऊगा जी ट्रू, 30th आंसर इज ट्रू। हम 31st क्वेश्चन वाल चलते हैं। द राइज ऑफ ट्रेड यूनियन मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द 19th सेंचुरी, मतलब ट्रेड यूनियन का राइज से वो कॉन्ट्रीब्यूटेड की करता सी, कि कॉन्ट्रीब्यूट करता सी चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन दे विच, मतलब की तो प्रोटेक्ट करता सी चिल्ड्रन नू एक्सप्लॉयटेशन तो 19th सेंचुरी दे विच। देखो जी जे आप पूरा पैसेज पढ़ांगे है ना तो आपां नू किते ये गल नहीं मिलनी पूरी, मतलब भी जेडे ट्रेड ऑफ यूनियन ने उन्हां दा राइज की कॉन्ट्रीब्यूट करन लई होया सी चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन तो प्रोटेक्शन करने लिए 19th सेंचुरी दे विच, तो ये गल किते नहीं की गई पूरे पैसेज दे विच। तो अपना आंसर की आजूगा 31st का, 31st का आंसर आजूगा जी अपना नॉट गिवन। ओके जी, हुण 32nd क्वेश्चन देखो, 32nd क्वेश्चन की है। बाय द एड ऑफ हाफ टाइम स्कूल्स, एड मतलब हेल्प, हाफ टाइम स्कूल्स की मदद नाल मोस्ट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड विच बहुत सारे चिल्ड्रन स्कूल्स जाते सी हाफ टाइम स्कूल्स की मदद नाल। ठीक है जी, तो हुण इहदा आंसर देखदे हां कित्थों आएगा, इहदा आंसर आएगा जी ई पैराग्राफ चों, ई पैराग्राफ की स्टार्टिंग चों देखो। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 एस्टैबलिश्ड हाफ टाइम स्कूल, हाफ टाइम स्कूल्स हो गया ना, विच अलाउड चिल्ड्रन टू वर्क एंड अटेंड स्कूल, मतलब जेडे कि अलाउ करते थे बच्चों नू वर्क करन लई ते स्कूल अटेंड करन लई, बट इन द 1840s ए 1840s है जेड़ा ए मिड ऑफ 19th सेंचुरी हो गया ना, इतों लग जूगा तो हम अगे आऊगा। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन नैवर वेंट टू स्कूल, क्वेश्चन क्या गया भी बहुत सारे बच्चे से जोड़े स्कूल जाते थे, पर आप स्टेटमेंट की कह रही है इनफॉर्मेशन की कह रही है भी बहुत सारे बच्चे जोड़े वो स्कूल कदे गए ही नहीं, कदे जा ही मतलब स्कूल जाते ही नहीं सी। ठीक है जी, तो अपनी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट होगी इनफॉर्मेशन नाल, तो अपना 32nd आंसर की लग जूगा जी फॉल्स, 32nd आंसर इज फॉल्स। 33rd क्वेश्चन देखो, इन 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन नीड टू गो टू स्कूल इन अ फुल टाइम शेड्यूल, मतलब 20th सेंचुरी के ऑलमोस्ट सारे चिल्ड्रन नू स्कूल जाना पैंदा सी, स्कूल जाना ही पैंदा सी फुल टाइम शेड्यूल दे विच। ठीक है जी, तो इहदा आंसर हुण देखदे हां आपां की आऊगा जी, आपां पूरा पैसेज पढ़ांगे तो ये कंपलशन ये नसैसिटी कितने नहीं गिवन हैगी भी उन्होंने फुल टाइम शेड्यूल दे विच ही स्कूल जाना पैंदा ही सीगा 20th सेंचुरी दे विच, है ना। तो ये 33rd का अपना भी आंसर आऊगा नॉट गिवन, 33rd आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि इस चीज़ की कितने पूरे पैसेज दे विच गल नहीं हुई। ठीक है जी, हुण 34th क्वेश्चन देख लो, 34th क्वेश्चन की कह रहा है। Nowadays, children's needs were much differentiated and categorized based on how old they are. मतलब हुन जेडे हुन दे जमाने विच चिल्ड्रन दी जेडियां नीड्स ने उन्हां नू डिफरेंशिएट ते कैटेगराइज किया जाता है कादे बेसिस से, उन्हां दी एज दे बेसिस से, ये दसना भी ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है। 34th आंसर है जी अपना जी पैराग्राफ दे विच, जी पैराग्राफ दी सैकेंड लाइन देखो, इंक्रीजिंगली मिल गया जी, हाँ जी इंक्रीजिंगली चिल्ड्रन वर बीइंग ट्रीटेड एज अ ग्रुप विद डिस्टिंक्टिव नीड्स, डिस्टिंक्टिव नीड्स मतलब उन्होंने कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, एंड दे वर ऑर्गनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, ऑर्गनाइज्ड इनटू ग्रुप्स मतलब कैटेगराइज्ड किया जाता है उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर एज, उन्होंने एज के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्गनाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अपना जोड़ा स्टेटमेंट है वो अपनी इनफॉर्मेशन अकॉर्ड कर गई, एग्री कर गई जी, तो अपना आंसर ये लगेगा जी ट्रू। ठीक है जी, अपना 34th का आंसर आ गया ट्रू। हुन आंसर द क्वेश्चन देखो, 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक अराइजेज विद द फ्रेंच हिस्टोरियन फिलिप एरीज कॉन्सेप्ट, मतलब केड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक अराइज होंदा है फिलिप एरीज दे कॉन्सेप्ट तो। ए है जी पैराग्राफ दी बिल्कुल स्टार्टिंग ते, पैसेज दी बिल्कुल स्टार्टिंग ते जिहड़ियां 3-4 लाइनां दित्तियां ने ना उहनां दे विच इहदा आंसर आऊगा ए पैराग्राफ तो उपर है जिहड़ा। The history of childhood has been a topic of interest in social history since the highly influential 1960 book Centuries of Childhood written by French historian Philip Eyries. French historian Philip Eyries di gal hogi na, matlab ene jehdi book likhi si us de naal ki topic arise hoya, history of childhood, ta ek topic da naam hai history of childhood, ta apna answer ki aa gaya ji 35th da, apna 35th da answer aa gaya ji history of childhood। ठीक है जी, हूँ 36th क्वेश्चन वाल चलते हैं अपन। वट इमेज फॉर चिल्ड्रन डिड एरीज बिलीव टू बी लाइक इन वैसटन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एजेस, मतलब मिडल एजेस के चिल्ड्रन की इमेजिस
वैसटन यूरोप के देखना हूँ आप आंसर कितों होगा वो देखते हैं यदा आंसर आऊगा जी ए पैराग्राफ के ए पैराग्राफ की आप सैकेंड लाइन तो पढ़ना शुरू कर दें द हिस्टोरियंस फिलिप द हिस्टोरियंस फिलिप एरिस आर्ग्यूड दैट इन वैसटन यूरोप आ गया ड्यूरिंग द मिडल एजेस आ गया चिल्ड्रन वर रिगार्डेड एज मिनीएचर एडल्ट चिल्ड्रन नू की कहा जाता सी मिनीएचर एडल्ट हुण इहदे दो आंसर आ सकते हैं या तो आ सकता है एज मिनीएचर एडल्ट या आ सकता है अपना कला मिनीएचर एडल्ट मतलब एज ऑप्शनल है लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते क्योंकि थ्री वर्ड्स है ना तो करके अपना 36 का आंसर आ गया जी एज मिनीएचर एडल्ट या कला मिनीएचर एडल्ट 36 आंसर इज मिनीएचर एडल्ट्स या एज मिनीएचर एडल्ट्स 37 क्वेश्चन देखते हैं आप व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट जनरेटेड द नीड फॉर ग्रेट अमाउंट ऑफ चाइल्ड लेबर टू वर्क अ लॉन्ग टाइम इन 18 एंड 19 सेंचुरी मतलब केड़े हिस्टोरिकल इवेंट ने जनरेट की सी लोड चाइल्ड लेबर की वध तो वध चाइल्ड लेबर की 18वीं ते 19वीं सेंचुरी दे विच ते जिथे अपना कीवर्ड आ गया 18 19 सेंचुरी ते हिस्टोरिकल इवेंट है ना वो अपना आंसर आऊगा इहदा आंसर आऊगा जी सी पैराग्राफ दे विच सी पैराग्राफ स्टार्टिंग तो पढ़ो विद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 18th एंड 19th सेंचुरीज मतलब अपन सेंचुरी मिल गया अ न्यू डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर वॉज क्रिएटेड मतलब चाइल्ड लेबर की न्यू डिमांड क्रिएट हो गई सी अपन क्वेश्चन भी ए पूछ रहा है भी कादे करके डिमांड क्रिएट हुई सी आंसर क्या होगा अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन या विद इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों से कुछ भी आ सकता है विद इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखना है विद इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख दो कला इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखना है कला इंडस्ट्रियलाइजेशन है ठीक है जी तो अपना 37 का आंसर आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन या विद इंडस्ट्रियलाइजेशन 38th क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं व्हाट लीगल फॉर्मेट इनिशियल द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन 19th सेंचुरी मतलब केड़े लीगल फॉर्मेट ने चिल्ड्रन प्रोटेक्शन नू इनिशिएट किया सी एक्सप्लॉयटेशन तो बचने लई चिल्ड्रन नू इनिशिएट ए मतलब प्रोग्राम इनिशिएट किया सी 19th सेंचुरी दे विच आपां ओह लीगल फॉर्मेट दा नाम दसना पूरे पैराग्राफ जी इक्को ही लीगल फॉर्मेट का नाम आया द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 हूँ आप पूरा नहीं लिख सकते द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 ये फोर वर्ड्स से वन नंबर हो जूगा तो आप कला लिखा द फैक्ट्री एक्ट ठीक है जी एदा वो देख लो कि डी पैराग्राफ की सैकेंड लाइन देखो इन ब्रिटेन द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1833 सिग्निफाइड द बिगनिंग ऑफ बिगनिंग मतलब बिगनिंग तो अपना लग जूगा इनिशिएट है ना इनिशिएटेड द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ठीक है जी 19 सेंचुरी कितों लग जूगा अपना 1833 तो 1833 19 सेंचुरी हो गया ना तो अपना केड़ा लीगल फॉर्मेट सीगा द फैक्ट्री एक्ट तो अपना जो 38 का आंसर है 38 का आंसर आ जूगा जी अपना द लीगल द फॉर्म द फैक्ट्री एक्ट 38 का आंसर है द फैक्ट्री एक्ट ठीक है जी हम 39th क्वेश्चन देखो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन What the activities were more and more regarded as being preferable for almost all children time in 19th century मतलब 19th century दे विच केड़ियां activities children ज़्यादा preferable लगती हैं सी children वास्ते भी children ज़्यादा तो ज़्यादा ये चीज़ा करते हैं ये activities करते हैं तो ये question देखना हूँ आप ये question का answer कहड़ा है ये question का answer अपना डी पैराग्राफ दे विच आंसर जी अपना डी पैराग्राफ दी सिक्स लाइन देखो चाइल्डहुड वॉज ठीक है जी चाइल्डहुड वॉज इंक्रीजिंगली सीन एज अ टाइम फॉर प्ले एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन नॉट जस्ट फॉर अ प्रिविलेज माइनॉरिटी ठीक है जी मतलब चाइल्डहुड सी जिहड़ा हर एक बच्चे की किवें दा टाइम सी प्ले एंड एजुकेशन करन दा मतलब प्ले एंड एजुकेशन ज़्यादा तो ज़्यादा चिल्ड्रन करते सी 19th सेंचुरी दे विच तो अपना इहदा आंसर की आ जूगा जी 39th दा तो अपना 39 दा आंसर आ जूगा जी प्ले एंड एजुकेशन अंडरस्टूड है जी हुण अपना लास्ट क्वेश्चन रह गया 40th क्वेश्चन वेयर हैज़ बीन द सेंट्रल एरिया फॉर चिल्ड्रन टू स्पेंड लार्जली ऑफ द डे एज पीपल्स एक्सपेक्टेशन इन मॉडर्न सोसाइटी मतलब मॉडर्न सोसाइटी के पीपल की एक्सपैक्ट करते हैं भी जेडे चिल्ड्रन ने अपना ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम दिन का कितने बिता ये आप देखते हैं कितों आऊगा यदा आंसर आऊगा जी एफ पैराग्राफ के स्टार्टिंग तो पढ़ना शुरू करते हैं
अटेंडिंग स्कूल वॉज नो लॉन्गर अ प्रिविलेज एंड ऑल चिल्ड्रन वर एक्सपैक्टेड, मतलब सारे चिल्ड्रन एक्सपैक्ट किया जाता सी भी वो अपना अपने दिन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट मतलब वो तो वो पार्ट है जोड़ा अपने दिन का कितने बिता इन अ क्लासरूम, क्लासरूम के अपना सब तो वन बिता। तो अपना 40th आंसर की लग जूगा जी, 40th का आंसर आजगा अपना या तो कला क्लासरूम आजगा या अ क्लासरूम आजगा। ठीक है जी, इन दोनों चो आप कोई भी लिख सकते हैं, अ ऑप्शनल है, क्लासरूम कंपलसरी है। तो इस तरह अपना ये पैसेज भी कंप्लीट होंगे, ये बहुत ही ईजी पैसेज सी मेरे अकॉर्डिंग, आप बिल्कुल आसानी ना कर सकते जी, आपको इन्नी ज़्यादा नॉलेज नहीं हैगी है ना वोकैबलरी दी या सिनोनियम दी, थोड़े बहुत ही मतलब बेसिक जी सिनोनियम यूज किए गए इस पैसेज के। ओवरऑल मैं कहूँगा ईजी सगा इसका लेवल। तो सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।